नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला, लेकिन उससे पहले ही पंजाब कांग्रेस के अंदर जबरदस्त विद्रोह मचा हुआ। एक कैप्टन के आगे पार्टी के ही दो नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, तो दूसरी तरफ प्रताप सिंह बाजवा। जिस तरह से इन दोनों नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ, उसने कांग्रेस आला कमान के माथे पर पसीना ला दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि किसका साथ दें और किसका नहीं। इसीलिए पार्टी ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर उन्हें पंजाब कांग्रेस असंतुष्ट नेताओं से बात कर दिल्ली रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। पंजाब कांग्रेस में क्यों मचा घमासान? आपस में क्यों लड़ गए कैप्टन बाजवा और सिद्धू? क्या इसके लिए आला कमान है जिम्मेदार? जी हाँ, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंजाब कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है, क्या उसके लिए खुद कांग्रेस आला कमान ही जिम्मेदार? क्योंकि साल 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से ही देखें तो कैप्टन अमरिंदर के आगे जहां अक्सर आला कमान सरेंडर के मूड में ही नजर आया, तो वहीं इमरान खान के शपथ ग्रहण में जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की शिकायतों को शीर्ष नेतृत्व लगातार नजरअंदाज ही करता रहा। जबकि प्रताप सिंह बाजवा के मामले में भी आला कमान कैप्टन के आगे सरेंडर नजर आया। बाजवा को कांग्रेस ने ही बनाया कैप्टन का विकल्प। बात साल 2012 की, जब पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, जिसे लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पार्टी में जबरदस्त नाराजगी चल रही थी कि अगले साल यानी 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस की कमान कैप्टन से लेकर उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह बाजवा को दे दी, जिससे ये माना गया कि पार्टी बाजवा को कैप्टन के खिलाफ खड़ी करना चाहती। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रताप सिंह बाजवा इस उम्मीद में मेहनत करते गए, खुद को तैयार करते गए कि साल 2017 का विधानसभा चुनाव पार्टी उनके चेहरे पर लड़े। लेकिन जब चुनाव करीब आए तो बाजवा ने बगावत शुरू कर दी और साफ साफ कह दिया कि वो कांग्रेस के टिकट पर तभी चुनाव लड़ेंगे जब उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर बाजवा ने अपनी अलग पार्टी बनाने की भी धमकी दे डाली। इसी बीच आला कमान को बताया गया कि कैप्टन की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती, जिसकी वजह से राहुल गांधी को प्रताप सिंह बाजवा को मनाना पड़ा कि वो कैप्टन के लिए स्पेस दे दें। कैप्टन ने भी इसे अपना आखिरी चुनाव बताया। बाजवा के साथ खेल हो गया। साल 2017 में कैप्टन के कद के आगे हार गए प्रताप सिंह बाजवा को ये उम्मीद थी कि खुद कैप्टन अमरिंदर कह चुके हैं कि साल 2017 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा, तो 2022 में पार्टी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। कैप्टन अमरिंदर एक बार फिर से सीएम पद के दावेदार हो गए और बाजवा खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के लिए कैप्टन को छोड़ना आसान नहीं। बीजेपी और अकाली दल की जोड़ी टूटने के बाद कैप्टन अमरिंदर और मजबूत होकर उभरे और पार्टी को उम्मीद है कि एक बार फिर कैप्टन के दम पर कांग्रेस वापसी कर सकती है। सिद्धू का कैप्टन से क्या है झगड़ा? बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को शुरुआत में तो पार्टी ने खूब भाव दिया, लेकिन जब से वो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्जी के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण में शामिल हुए, तभी से कैप्टन और सिद्धू के बीच ठनी हुई। पार्टी और सरकार में अपनी उपेक्षा पर वो लगातार शीर्ष नेतृत्व से शिकायत करते रहे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उन्हें अनसुना करते रहे। लेकिन सिद्धू आलाकमान से अपने सवाल का जवाब चाहते रहे कि उनकी जिन शर्तों पर पार्टी में एंट्री हुई थी, अगर वो पूरी नहीं की जानी थी तो उन्हें शामिल ही क्यों किया गया। नेतृत्व के सामने इस बात का कोई जवाब नहीं है और अब जब चुनाव के समय सिद्धू कहीं ज्यादा मुखर है तो पार्टी आलाकमान उन्हें मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में। सिद्धू और कैप्टन के बीच तकरार इस हद तक पहुंच गई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे आरोप लगा दिया कि सिद्धू आम आदमी पार्टी के संपर्क में, केजरीवाल से उनकी बात चल रही, जिसके जवाब में खुद सिद्धू ने चैलेंज देते हुए कहा कि साबित करके दिखाइए कि मैंने किसी पार्टी के नेता के साथ मीटिंग की, मैंने आज तक कभी किसी से कोई पोस्ट नहीं मांगा, मुझे कई बार कैबिनेट पद ऑफर किया गया लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, अब हमारे हाई कमान में दखल दिया है, देखते हैं क्या होता है। कैप्टन सिद्धू और बाजवा की आपस की लड़ाई से परेशान पार्टी आला कमान ने फिलहाल 3 सदस्य समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 100 से अधिक नेताओं से उनकी राय ले चुके, इनमें अधिकतर विधायक। इस समिति में खड़गे के अलावा कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल शामिल। कमेटी कांग्रेस आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, यानी अब सब कुछ इस समिति की रिपोर्ट पर ही निर्भर है कि कैप्टन अमरिंदर, प्रताप सिंह बाजवा और नवजोत सिद्धू
तीनों पर आलाकमान क्या फैसला लेता है।